सो हे गाइज, दिस इज आर्यन एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो रिसेंटली मेरा 200K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुआ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इसी खुशी में मैं ये स्पेशल ड्राइंग बनाया था, बट मैं इसे शॉर्ट्स वीडियो पे अपलोड किया था। तो काफी लोगों ने कमेंट किया कि इसका ट्यूटोरियल वीडियो लाओ, हमें जानना है कैसे बनाए। सो डोंट वरी, आज मैं एकदम इजी वे बताऊंगा कैसे आप बना सकते हो। एंड ऑल्सो मैं इसे प्रिज्मा कलर पेंसिल से बनाया था, बट आज मैं इसे डोम्स कलर पेंसिल से बताऊंगा, क्योंकि प्रिज्मा कलर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक रेफरेंस इमेज का जरूरत पड़ेगा जिसे देख के आप ड्रॉ करोगे। आपको जिस भी नंबर या लेटर का बलून बनाना हो, आप गूगल पे सर्च करके निकाल लेना। आज हम लोग 0 नंबर का बलून बनाएंगे। यू नो, 0 काफ़ी कॉमन होता है। अगर आप 10K, 50K, 100K किसी का भी ड्राइंग बनाओगे तो आपको 0 बनाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं 0 को चूज़ किया आज। तो आज हम लोग इसे ड्राइंग करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग इमेज देखना एंड फिर आपको जो जो कलर दिख रहा है उसे आप लोग साइड में मार्क कर लेना। इससे आप लोगों को बाद में कलरिंग करने में ईजी होगा, क्योंकि कभी कभी पेंसिल कलर दिखता कुछ और है एंड फिर कलरिंग करने के बाद कुछ और कलर निकल के आता है, लाइट या डार्क हो जाता है। तो इससे आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद आपको इमेज में देखना है कहाँ कहाँ पे आपका हाइलाइटेड एरिया है। तो इस जगह पे मेरे को काफ़ी हाइलाइटेड दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग हाइलाइट को कवर करेंगे। एंड गाइस, मैं यूजुअली ऐसे लॉन्ग वीडियोज अपलोड नहीं करता, बिकॉज मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना आप लोग शॉर्ट्स पे मुझे सपोर्ट देते हो। तो अगर आप लोग कहते हो कि इधर भी उतना प्यार दोगे तो मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा 100%, क्योंकि गाइस देखो, लंबे वीडियोस में काफ़ी टाइम लगता है रिकॉर्डिंग करने में, एडिटिंग करने में, एंड उसके बाद भी अगर हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता तो थोड़ा सा बुरा फील होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देते हो तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने का। तो आई होप समझ रहे होगे। तो मुझे इतना ही कहना था, तो फोकस करते हैं ड्राइंग पे। तो अब वाइट कलर करने के बाद आपको देखना है वाइट से थोड़ा सा कम क्या चमक रहा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये ओशन ग्रीन इस वाइट के बाद ज़्यादा हाइलाइटेड है, तो इसके बाद हम लोग इस ग्रीन को कलर करेंगे। गाइस, इस तरह के ड्राइंग को करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप लोग पूरे कलर्स को एक साथ मत देखो, आप स्टेप बाय स्टेप देखो कि कौन सा कलर कहाँ कहाँ पर एक बार में दिया गया है। तो पहले जैसे मैं हाईलाइट कर दिया, उसके बाद मैं ग्रीन पर गया एंड इसके बाद मैं ब्लू पर जाऊँगा, फिर डार्क ब्लू, फिर ब्लैक, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना है ड्राइंग को। तो इसके बाद हम लोगों का ब्लू का यूज़ करना है। तो जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हो, सबसे ज़्यादा स्काई ब्लू दिख रहा है इसमें। तो आप लोग स्काई ब्लू फिल करना सभी जगह पे, बट आप लोग ना पूरा प्रेशर अप्लाई मत करना ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों को और भी कलर्स चढ़ाना है, लाइक डार्क ब्लू भी चढ़ाना है एंड ब्लैक भी कहीं कहीं पर है। तो अगर आप लोग पूरा एरिया फिल कर देते हो एकदम प्रेशर लगा के, तो इसके ऊपर और कलर्स नहीं चढ़ेगा। तो पहले हल्के हल्के ही रखना, धीरे धीरे डार्क किया जाएगा। तो इसके बाद आप लोग इमेज में देख सकते हो आपका कहाँ कहाँ पे डार्क ब्लू है। तो इस ब्लू को आपको ध्यान से देना है, क्योंकि ये जस्ट लाइक आपका डिटेल काम करेगा। तो ये इस ब्लू को आप लोग दोगे तो आपका इमेज धीरे धीरे उभरने लगेगा, लाइक 3D इफेक्ट आने लगेगा इसमें। तो इसे काफ़ी आराम से करना, क्योंकि ये कलर ही आपका हाईलाइट को बैलेंस करने वाला है। क्योंकि आप बैकग्राउंड में कुछ भी गलती की हो, लाइक लाइट ब्लू की हो, वो जस्ट लाइक आपका बेस कलर हो गया, मेन डिटेल इस कलर से ही होगा। तो इसे आप एक एक डिटेल देखो कि कितना लाइन गया है हाईलाइट के लेफ्ट साइड, हाईलाइट के राइट साइड। तो आप जो वाइट कलर हाईलाइट दिए हो उसे एज ए मार्क यूज़ करो। आपको इमेज पूरा देख के कन्फ्यूज नहीं होना है कि कहाँ कहाँ से कितना स्मॉल लाइन्स पास हुआ है। एंड फिर पेंसिल को शार्प रखना छोटा छोटा डिटेल्स बनाने के लिए। इसके बाद मुझे कहीं कहीं पे थोड़ा ब्लू कलर का हाईलाइट दिख रहा है, तो मैं सिंपली वाइट कलर से उसके ऊपर ओवरलैप कर दे रहा हूँ। तो इमेज में मुझे कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्लू दिख रहा है, तो मेरे पास लास्ट प्रूशन ब्लू ही था, उससे ज़्यादा डार्क शेड नहीं है मेरे पास। तो मैं उसके लिए ब्लैक का यूज़ करूँगा यहाँ पे, ब्लू के ऊपर सिंपली हल्का हल्का टोन चढ़ा दूंगा तो वो डार्क ब्लू हो जाएगा। इसके बाद एकदम फाइनल वाला डिटेल के लिए मैं यहाँ पे जेली रोल पेन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं पे फोल्डिंग पे वाइट कलर का हाईलाइट है, छोटा छोटा लाइंस बना हुआ है। अगर आपके पास जेली रोल पेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्रेलिक वाइट एक्रेलिक का यूज़ कर सकते हो 0 नंबर ब्रश से। अपने को बस वाइट करने से मतलब है, चाहे आप कैसे भी करो। एंड ये पूरा खेल पेशेंस पे बेस्ड है, आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे ड्राइंग में उतना ज़्यादा आपका रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। सो गाइज, हमारा ड्राइंग हो चुका है फिनिश, इसके लिए मैं ओनली डोम्स कलर पेंसिल का ही यूज़ किया हूँ। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसा लगा, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना प्लीज़। मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत मेहनत लगा इस वीडियो पे, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।